अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? होप्स हो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, आज का व्लॉग शॉपिंग व्लॉग है। सॉरी, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। अच्छा जी, शॉपिंग व्लॉग है। और बहुत ही दिनों से मैं सोची थी कि मार्केट जाऊँ, और जाना नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी गर्मी में घर से निकलने को दिल नहीं चाहता। लेकिन फिर जब हिम्मत कर ली घर से निकलने की, तो फिर बहुत सी चीज़ें याद आने लगी कि ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो फिर मैंने सोचा कि यार आज चलते हैं। तो जनाब, वो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे आगे जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल सकें। और मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और इंस्टा का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जनाब, अच्छा मेरी आदत है, मैं जब भी किसी चैनल को विज़िट करती हूँ ना, तो मैं उनकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करती हूँ। पता नहीं, एक हैबिट होती है हर किसी की। तो खैर जनाब, आप भी कर लीजिएगा चेक, अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये ड्रेस है जो मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, और लेकिन दुकानदार क्या करते हैं कि झूठ बोलते हैं। जब कोई बंदा खड़ा होता है ना, तो वो और बात कर रहे होते हैं, जब कोई बंदा बैठ जाता है दैन वो और बात करते हैं। तो मुझे ऐसी बातों पर बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है और अच्छा नहीं लगता। एनीवे जनाब, हम लोग किस मार्केट में गए हैं? हम लोग गए हैं जी फैसलाबाद में, एक मार्केट के भी पीछे मार्केट है, ये जो फैसलाबाद के आठ बाज़ार है उनके पीछे एक मार्केट है, और जो के थोक मार्केट कहलाती है, वहाँ हम लोग गए हैं। और मैं इसका एड्रेस भी आपको आगे चल के बताऊँगी कि ये मार्केट कहाँ पे है। और इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस व्लॉग में, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस की शॉप पे मैं आ गई हूँ। ऐसे दिल ललचा रहता है किसी भी जगह पे जान, जब बंदा शॉपिंग के लिए निकलता है ना, तो समटाइम वो चीज़ें लेकर आ जाता है जो आपने सोची भी नहीं होती। दिल आ जाता है हर चीज़ पर। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक ज्वेलरी बॉक्स बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे शुरू से ही थोड़ी यूनिक चीज़ें जमा करने का शौक़ है। तो इस वजह से फिर मैंने देखा कि ज्वेलरी बॉक्स में भी कोई अच्छा, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा प्लास्टिक टाइप, थोड़ा ट्रांसपेरेंट ज्वेलरी बॉक्स मिले। वो सब लोग शॉपकीपर जो होते हैं ना, वो सब वो एक ही चीज़, एक ही स्टाइल आपको दिखाते हैं, और मैं चाहती हूँ थोड़ा डिफरेंट हो। तो जनाब, यहाँ पर बड़ी मज़े की चीज़ें और ज्वेलरी बॉक्सेज बहुत ही अच्छे जो हैं, वो सारे डिफरेंट स्टाइल्स के। अगर मुझे अच्छे नहीं लग रहे, डजन मीन के आपको भी अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इनकी प्राइसेस बहुत ही रिज़नेबल हैं। एक ज्वेलरी बॉक्स जो है वो अगर आपको मार्केट में डबल प्राइस में मिले, डबल या ट्रिपल प्राइस में मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सबसे लोअर प्राइस में मिलेगा। ठीक है जी, ये वो मार्केट है फैसलाबाद में, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो आज जान लीजिए मुझसे। जी जनाब, हम आ गए हैं क्रॉकरी शॉप पे। यहाँ पे क्रॉकरी वही, जैसे कि मैंने बताया कि डेकोरेशन पीसेज अगर आपको बाहर डबल ट्रिपल प्राइस में मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेंगे। और यहाँ पे आपको हर चीज़ ही नज़र आ रही होगी, और हर चीज़ में हर चीज़ ही डेफिनेटली शामिल है। और समटाइम इतने डिफरेंट और यूनिक आइटम्स इसमें शामिल होते हैं, जो कि आम रूटीन में हम लोग किसी ढूँढने से भी नहीं मिल पाते, तो यहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाते हैं। तो इसके अलावा, जैसे मैंने आपको डेकोरेशन पीसेज दिखाए, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में भी बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगी कि और मैंने क्या क्या शॉपिंग की, और इस मार्केट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। और जनाब, अब हम आ गए हैं एक और जगह। यहाँ पे ना, जिसको कहते हैं ना कि ये चीज़ें बड़ी रीज़नेबल भी होती हैं, और यूनिक और अच्छी लगती हैं। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें से भी मैंने जो चीज़ें नहीं भी मैं चाह रही थी लेना, तो वो भी मैंने ले ली। और 14 अगस्त आपको पता है आने वाली है, और उसकी जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ अवेलेबल थी और बड़ी यूनिक। ये मैंने भी फिर लिया, मैं घर ला के आपको शॉपिंग अपनी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। और फिर जनाब,
इसमें ये सब चीज़ें देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और अगर आपको अच्छी लगे ये चीज़ें तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा फैसलाबाद में झंग बाज़ार की साइड पे। यानी कि आप लोग अगर अनारकली से एंटर होंगे, एक तो अनारकली के दो रास्ते हैं, एक रीगल रोड वाली साइड से और एक है भवाना बाज़ार से। जी, भवाना बाज़ार वाली साइड से अगर आप एंटर होंगे अनारकली में, तो वहाँ से फिर आपको बिल्कुल आपने अनारकली में एंटर नहीं होना, आपने बिल्कुल सीधे चले जाना है और आपने थोक मार्केट का किसी से भी पूछ लेना है। वहाँ पे आपको थोक मार्केट में हर चीज़ मिल जाएगी। वो मार्केट थोड़ा सा हट के है, ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में नहीं पता, बल्कि मैंने उससे मेकअप की भी शॉपिंग की है। जब से मुझे इस मार्केट का पता चला है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी जगह पर ज़्यादातर जाऊँ, और ताकि रीज़नेबल चीज़ें जो है वो मुझे मिल सकें। तो जनाब, ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मैंने दी है जो फैसलाबाद में रहते हैं, लेकिन उन लोगों को इस जगह का आइडिया नहीं है, तजर्बा नहीं है। तो मेरे कहने पे आप लोग एक दफ़ा इस मार्केट को ज़रूर विज़िट करें, आपको मायूसी बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरा फेवरेट सेक्शन रिंग्स का, मेरे पास रिंग्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है, और यहाँ पे जो रिंग्स आपको मार्केट में 300, 400, 500 तक 1000 की मिलेंगी, वो रिंग्स आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ या मैक्सिमम 100 रुपीज़ में मिलेंगी। इससे ज़्यादा आपको महंगी रिंग्स नहीं मिलेंगी, और ये भी एक बहुत मज़ेदारी वाली बात है कि आप इतनी अच्छी चीप रिंग्स पहन के और आप बाई शौकियाँ मानेंगे, यार मैंने तो इतनी महंगी रिंग ली है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे रिस्पॉन्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।